शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 172 केंद्रों पर कुल 19,552 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,193 और सेकेंड डोज लेने वालों में 14,359 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शनिवार को आरआई का दिन होने से कम बूथों पर टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 36,21,000 से ऊपर लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या 24,37,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या 11,84,000 है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी तक जो भी व्यक्ति कोविड का टीका नहीं लगवाए हैं तथा फर्स्ट डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं, वह अपने नजदीकी सेंटर या सरकारी अस्पताल पर जाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन अवश्य करा ले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 172 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। क्योंकि आज आरआई का भी दिन है, रोटीन इम्यूनाइजेशन का भी दिन है, तो टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम है। अभी तक हमने 36,21,000 से ज़्यादा डोज लगा दिए हैं, उसमें से 24,37,000 प्रथम डोज और 11,84,000 सेकेंड डोज लगा हुआ है। सर, जनता से हमारी अपील है कि अभी भी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। करीब 9,00,000 फर्स्ट डोज से लोग छूटे हुए हैं और 2,50,000 के आसपास सेकेंड डोज जिनका ड्यू हो चुका है, ओवर ड्यू हो चुका है, वो लोग भी अभी हमारे केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। हमें जनता से अपील है कि जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लगवाया है या सेकेंड डोज जिसका ड्यू हो गया है, सभी लोग हमारे केंद्रों पर आएँ, सरकारी केंद्रों पर जहाँ निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है और कोरोना से बिल्कुल ही प्रतिरक्षित हो जाए। देश विदेशों में से खबर आ रही है कि कहीं कहीं कुछ नया वेरिएंट आ रहा है, जो कि उसके जैसा कुछ ऐसी कोई घटनाएं घटें उसके पहले हम सभी लोगों को इम्यूनाइज कर सकें और कोरोना से जो भी मॉर्बिडिटी बढ़ी हुई थी वो सब कम हो जाए, हम जिले को कोरोना मुक्त।